भारत और नेपाल बॉर्डर पर हुई अनोखी शादी। भारत के युवक की नेपाल की युवती से हुई शादी। भारत नेपाल बॉर्डर के पुल पर 15 मिनट में हुई शादी। शादी के लिए सिर्फ 15 मिनट के लिए खोला गया बॉर्डर। दूल्हा दुल्हन को भारत और नेपाल के जवानों ने दी शुभकामनाएं। काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल द्वारा अपने नक्शे में शामिल करने और चीन से निकटता के बाद भले ही भारत और नेपाल के राजनीतिक संबंधों में खटास आई हो, लेकिन दोनों देशों के रोटी बेटी के रिश्ते आज भी मधुर ही बने हुए हैं। इस बात की गवाह बनी नेपाल के धारचुला में हुई एक शादी, जो भारत के दूल्हे और नेपाल की दुल्हन के बीच हुई, जिसके लिए धारचुला के अंतर्राष्ट्रीय पुल को कुछ देर के लिए खोला गया। इस दौरान कपल की शादी की रस्में 15 मिनट के अंदर एक मंदिर में निपटाई गई। दरअसल पिथौरागढ़ जाजर देवल निवासी दूल्हे कमलेश चंद की शादी नेपाल के धारचुला में तय हुई थी। दूल्हे ने भारत और नेपाल प्रशासन से पुल खोलने का अनुरोध किया, जिसके बाद नेपाल और भारत की तरफ ने धारचुला का अंतर्राष्ट्रीय पुल कुछ देर के लिए खोला गया। के बाद दूल्हा अकेले ही नेपाल गया और वैवाहिक रस्मों को पूरा कर दुल्हन के साथ भारत लौट आया। शादी के बाद भारत लौटने पर दूल्हे और दुल्हन ने दोनों देशों के प्रशासन का आभार जताया है। मेरा नाम कमलेश चंद है, पिथौरागढ़ से आया हूँ। भारत सरकार और नेपाल सरकार की सहायता से अभी हमारी शादी जो हुई है, उसके लिए भारत सरकार और नेपाल प्रशासन दोनों का धन्यवाद देना चाहते हैं। दरअसल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के कमलेश और नेपाल के धारचुला की रहने वाली राधिका की शादी 22 मार्च को होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से शादी नहीं हो सकी। लॉकडाउन के बीच दोनों परिवार वालों ने बाद में शादी कराने का फैसला लिया, लेकिन फिर दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया, जिसके कारण यहाँ शादी धूमधाम से नहीं हो सकी। हालांकि इस शादी में ना तो फेरे हुए और ना ही कन्यादान, सिर्फ दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। मंदिर में ही दूल्हे ने दुल्हन की मांग भरी और दोनों की शादी हो गई। दूल्हा दुल्हन को लेकर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ आ गया। इस अनोखी शादी को इंडो नेपाल बॉर्डर पर प्रशासन का सहयोग मिला। शादी में युवक के पिता और दो अन्य रिश्तेदारों को दुल्हन लाने की इजाजत दी गई। इस शादी से दूल्हा दुल्हन और दोनों के परिवार वाले बेहद खुश हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पिथौरागढ़ से यशवंत महर की रिपोर्ट।